हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं भिल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 1 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भेल में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन जो है भेल में 2.95% का यहाँ पे पॉजिटिव में इसमें क्लोजिंग देखने मिला है। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 64.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में जो है ऐसा ही अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है उसको आपको मार्क करके बताएंगे और उसको कैसे यूज करना है अपने ट्रेड में उसमें भी जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी एंड में यहाँ पे हमारा क्या ओपिनियन बनता है इस स्टॉक में कल के लिए और आने वाले दिनों का जो आपको एक हिंट भी दे देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सीधा वन डे के चार्ट में जाके। वन डे के चार्ट में जाने से पहले याद रखें हम जो है ये स्टॉक का एनालाइज जो है आज हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए लाए हैं जिसने हमें रेकमेंड किया था कि ये स्टॉक का जो है भेल का जो है आज के दिन एक एनालाइज करे। तो यहाँ पे इसकी वजह से हम जो है एनालाइज स्टॉक का लाए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई स्टॉक का जो हम एनालाइज करके लाए तो याद रखें हमारे कौन से भी लेटेस्ट वीडियो में मंडे टू फ्राइडे मार्केट आवर्स मतलब 9 बजे से लेकर 3:30 के बीच में आपको हमारे कौन से भी लेटेस्ट वीडियो पे जो है कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे हम जो है वो कमेंट पढ़ के आपको जो है रिप्लाई दे देंगे और हम कहेंगे कि क्या हम उसका स्टॉक का एनालाइज का जो हम वीडियो लाने वाले हैं या फिर नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे वन डे के चार्ट में स्टॉक में क्या हमें देखने मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं वन डे के चार्ट में हमारे वॉल्यूम की। वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एवरेज से ज्यादा आज के दिन जो है वॉल्यूम देखने मिला है। यहाँ पे अच्छा खासा आज के दिन जो है वॉल्यूम देखने मिला है। पिछले 2 दिन से जो है वॉल्यूम अच्छा आप देख सकते हैं। पिछले 2 दिन में भी जो है वॉल्यूम बढ़ते रहा है और आज भी जो है यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। इवन दो पिछले दिनों से जो है कम है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम फिर भी मैं कहूँगा आज के दिन भी जो है वो अच्छा है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया एक जो है रेजिस्टेंस एरिया आता था इसकी वजह से यहाँ पे जो है आज के दिन बड़ा मूवमेंट आज के दिन नहीं आ पाया। लेकिन ज़रूर जो है ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है और यहाँ पे हाई चांस बन रहे हैं इस स्टॉक के जो है इसका आने वाले हफ्तों में जो है इस स्टॉक में जो है आपको इसका 52-week रेंज जो है वो क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है। तो ज़रूर जो है स्टॉक पर नज़र बना के रखें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो अक्टूबर के एंड तक यहाँ पे जो है आपको 80 तक यहाँ पे आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कह दूँ आप जो है इस स्टॉक को अगर वॉच लिस्ट में नहीं रखे हो तो मैं कहूंगा आप भी कभी जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दे। बाकी यहाँ पे पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी देखने मिल रही है जो है इसका EMA यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 EMA जो है क्रॉस करने वाला है 50 EMA को आने वाले दिनों में आपको जो है इसका मतलब यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ जो है एक बड़ा जो है जंप देखने मिल सकता है। आपको इजिली यहाँ पे 70 तक ये जो स्टॉक है आते हुए देखने मिल सकता है। तो जरूर जो है जैसे कि मैंने कहा इस स्टॉक को आप ऐड करके रखें। बाकी यहाँ पे RSI आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI जो 70 के आसपास जो आ चुका है जो यहाँ पे हमें जो है कंसोलिडेशन का इशारा दे रहा है। लेकिन याद रखें हमेशा जो है हम अपने इंडिकेटर्स पे जो भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो है मूवमेंट देते हैं तो हमें जो है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन हमेशा यहाँ पे जो है याद रखें अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा दें क्योंकि हम जो है एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो एनालाइज करके लाते हैं और आप सभी के सामने हमारा क्या ओपिनियन होता है उस स्टॉक में आपको जो है वो बताते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा चैनल का जो है मोटिव वही है कि यहाँ पे जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें क्योंकि यहाँ पे जो है हम चाहते हैं कि आप जो है जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा जो अर्न कर पाओगे। इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो है फैक्टर एक ही है यहाँ पे हमारा एजेंडा एक ही है कि आप जो है यहाँ से ज़्यादा जो है वो चीज़ें सीख कर जाए और यहाँ पे जो है आप उसको अपने ट्रेडिंग के टाइम में जो अप्लाई करें। याद रखें हम जो है यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देते हैं मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है किसी भी स्टॉक को उसको हम जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है आपको नहीं कहते हैं। वो डिसीजन आपका है आपको बाय करना है तो तब आप बाय करो आपको सेल करना है तब आप सेल करो। यहाँ पे हम जो है आपको बस किस तरह से आपको जो है ट्रेड करना है मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे उसको हम सिखाते हैं। बाकी यहाँ पे हम जो आपको चार्ट एनालाइज सिखाते हैं मेन की यहाँ पे आपको क्या क्या यूज करते हो आपको जो है यहाँ पे चार्ट एनालिसिस अच्छी तरह से आप सीखोगे उतना ही बेहतर होगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में। चलिए अब हम देखते हैं भेल में आज
क्या इंपॉर्टेंट है हमारा जो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे उसको मार्क करके आपको बताएंगे किस तरह से जो है आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे जो उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे जो थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी जो है डेटा मुझे जो है ज़्यादा नहीं मिल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के लिए। तो यहाँ पे जो है जूम आउट करूँगा तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे डेटा देखने मिलेगा, और यहाँ पे मैं जो है उसको मार्क कर पाऊंगा। बाकी यहाँ पे जो है मैं मार्क कर रहा हूँ आप सभी के सामने, याद रखें हम जो है आपके आपके सामने ही जो है हर एक चीज़ें जो है मार्क करते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है हम पहले से ही मार्किंग करके नहीं लाते हैं, यहाँ पे जो भी मार्किंग कर रहे हैं आप सभी के सामने कर रहे हैं। याद रखें कि कोई भी मार्किंग आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखी है तो वो हमारे जो है पुराने वीडियोस जहाँ पे हमने पहले मार्किंग की थी, पिछले टाइम पे हमने अगर उसका वीडियो बनाया था उसी की मार्किंग्स होती है जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेव होते हुए देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आज के दिन जो हमने मार्क किया, अगर नेक्स्ट टाइम हम जब भेल का वीडियो लाएंगे तो यहाँ पे जो उसकी मार्किंग आपको ऑलरेडी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 64.50 पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन की, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो डायरेक्ट आता है वो आता है 65.45 का। बाकी यहाँ पे जो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसके रेंज में ला लेता हूँ, यहाँ पे 65.25 जो है एक डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन देखने मिलता है। बाकी यहाँ पे उसके नीचे डायरेक्ट सपोर्ट आता है वो आता है 63.90 का। उसके नीचे सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 63.10। यहाँ पे 63.10 को ना गिना साइकोलॉजिकल नंबर जो है 63 उसको काउंट करे तो भी चलेगा। बाकी यहाँ पे नीचे जो आता है वो आता है 62.30 का। ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद आता है 66.75 का पहला रेजिस्टेंस जोन, उसके ऊपर आता है 67.45 का। यहाँ पे जो है फिलहाल इस स्टॉक में जो है अभी के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है आपको डाउन जाते हुए देखने मिल सकता है, ज़्यादा डाउन नहीं छोटा सा यहाँ पे आपको जो है डाउन साइड देखने मिल सकता है। 63 तक यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा डाउन साइड देखने मिल सकता है, लेकिन वहाँ से जो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा यहाँ पे वापस से बाउंस आ सकता है, और क्लोजिंग जो है इसी बीच में हो सकती है 63 से लेके 63.90 के बीच में आपको कल के दिन जो है इस स्टॉक में क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, इस स्टॉक में आपको क्या देखने मिल सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे इसको आप कैसे यूज़ करना है, ये जो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन को जो हमने मार्क किया है उसको थोड़ा सा हम जो है फटाफट जो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 63.90 यहाँ पे आपका सपोर्ट आता है। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट को तोड़ते हो आपको ये स्टॉक है जो है तीन रेड कैंडल देखने मिली इसके नीचे, 63.90 के नीचे तीन रेड कैंडल 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है 63 तक इजिली चले जाएगा, जो हमें लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है। बाकी यहाँ पे अगर हमें जो है लग रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंट दिख रहा है तो हम जरूर जो है एक लॉन्ग के लिए भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कल हमें नेगेटिव लग रहा है। बाकी यहाँ पे अगर मुझे जो है ओपनिंग इसकी पॉजिटिव देखने मिली 65.25 के ऊपर जो है इसकी ओपनिंग मुझे देखने मिली, और यहाँ पे जो है तीन ग्रीन कैंडल 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में मुझे देखने मिला, तो यहाँ पे जो है मैं 66.75 तक का जो है उसके उससे 5 या 10 जो है पैसा यहाँ पे जो है डाउन में, मतलब 66.65 के आसपास जो मैं अपना टारगेट लगा लूंगा। जो यहाँ पे अगर ये क्रॉस मुझे कंफर्मेशन कैंडल के साथ, याद रखे वो जो तीन कैंडल जो है वो तीसरी जो कैंडल होती है वो कन्फर्मेशन कैंडल होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें कहती है अब ये स्टॉक जो है अपसाइड मोमेंट देगा। बाकी यहाँ पे हमें लग रहा है ये स्टॉक जो है आपको डाउन जाते देखने मिल सकता है। बाकी आपका कमेंट मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और याद रखे अपना जो है टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही मेंटेन करके चलना, क्योंकि वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के ट्रेडिंग के टाइम पे। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।